हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए आज क्लास 12 कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए बीएमटी में एक्सरसाइज 1 से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट सम करते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इससे पिछले वाले वीडियो में यानी कि लेक्चर 1 में मैंने आप लोगों को सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड सारे फॉर्मूले करवा दिए थे। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने तैयार भी कर लिया होगा। तो चलिए आइए इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ सम करते हैं। तो बच्चों आइए एंजॉय द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, फाइंड द सीक्वेंस, फाइंड द सीक्वेंस इफ nth टर्म बी एन बाय एन प्लस वन। फाइंड द सीक्वेंस इफ nth टर्म बी एन बाय एन प्लस वन, माने वह अनुक्रम निकालें जिसका एनवा पद एन बाय एन प्लस वन होगा। तो देखिए बच्चों कैसे निकालते हैं सीक्वेंस। गिवन मीन्स दिया गया, Tn क्या दिया है n by n plus 1, जो क्वेश्चन में दिया था उतार लिए। अब अनुक्रम का मतलब एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ऐसे पुट करना है। तो बच्चों n के बदले में 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, डॉट 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 कितना रखते रहेंगे, n के बदले में 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब बहुत है। ठीक है, चलिए पहले T1, n के जहां में 1 लिया है ना, यहां पुट कीजिए 1 by 1 plus 1, एक आगे कितना हो गया, 2 हो गया। T2 यानी कि सेकेंड टर्म, जहां जहां n है 2 उठाइए, 2 by 2 plus 1 क्या हो गया 2 by 3, यहां 2 यहां 2 बैठा दिए। T3 3 by 3 plus 1 यानी कि 3 by 4, T4 यानी कि 4 by 4 plus 1 मतलब 4 by 5, समझ गए बच्चों। अब देयरफॉर यहां लिख देना है सीक्वेंस क्या का हो गया, 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5 एंड सो ऑन, यही आपका अनुक्रम हो गया। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ एपी, समझ गए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, मतलब इसे उतार लीजिए वीडियो को रोक के। ठीक है, आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं, प्रूव दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन एपी। आपको शो करना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर एपी में है या नहीं। तो एपी में होने का क्या नियम बताए थे कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लीजिए, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस कर लीजिए, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस कर लीजिए, यदि सभी बराबर आ जाए यानी कि कॉमन डिफरेंस इक्वल आ जाए तो क्या होगा बच्चों, वो जितने भी टर्म दिए जाएंगे सभी एपी में होंगे। तो आइए उसी नियम का यूज करते हैं। ये बच्चों आपका T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया। T1 मींस पहला टर्म, T2 मींस दूसरा टर्म, T3 मींस तीसरा टर्म, है ना। चलिए तो सबसे पहले हम T2 माइनस T1 निकालते हैं। T2 मतलब ये हो गया दूसरा पद, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और T1 मतलब ये हो गया, T1 मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, ये T2 बैठा दिया, ये T1 बैठा दिया, तो क्या है यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, थोड़ी से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ब्रैकेट को खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab। समझ में आ रहा है कि नहीं, e e e कट गया, क्या बचा 2ab। मेरा T2 माइनस T1 का मान कितना आया बच्चों, 2ab।
अब इसका भी मान यानी कि T3 माइनस T2 भी 2AB आना चाहिए। आइए चेक करते हैं। नाउ मीन्स अब T3 माइनस T2 यानी कि तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा क्या है बच्चों A प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा क्या है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए A प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, बोलिए क्या होगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ऐसे ही मंत्र पढ़ना है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB माइनस A स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या है बच्चों बी स्क्वायर, कुछ नहीं करना है माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या हुआ कट गया, क्या बचा 2AB। देखिए इसमें भी आया था 2AB, इसमें भी कितना आ गया 2AB आया ना, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया बराबर हो गया, देयरफॉर क्या था बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका आर इन एपी, एपी में है, यही तो सिद्ध करना था, प्रूव हुआ। चलिए उतारिए, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सीखते रहिए एंजॉय करते रहिए, भागिएगा नहीं, पढ़िए बढ़िया से। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, इफ nth टर्म बी 3n माइनस 2 देन फाइंड द सीक्वेंस एंड 10th टर्म, समझे बच्चों इफ nth टर्म बी 3n माइनस 2, इफ ये आई है इफ nth टर्म बी 3n माइनस 2, इफ nth टर्म बी 3n माइनस 2 देन फाइंड द सीक्वेंस एंड 10th टर्म ऑल्सो, एनवा पद इतना दिया है तो सीक्वेंस निकालिए और दसवां पद निकालिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो समझाए वही तो है। चलिए गिवन tn, ये आपका लिख दीजिएगा गिवन मतलब दिया गया है, क्या दिया गया है tn बराबर इतना 3n माइनस 2, तो सबसे पहले हम पुट करेंगे t1, बैठा है बच्चों 3 × 1 − 2 3 × 3 − 2 तो 1 हो गया, t2 3 × 2 − 2 एंड के देखा मैं खाली 2 उठाए 3 × 2 = 6 में जाएगा 2 कितना हो गया 4, t3 3 × 3 − 2 देखिए बच्चों 3 × 3 = 9 में गया 2 कितना हो गया 7, t4 एक और निकाल दिए 3 × 4 − 2 4 × 3 = 12 में गया 2 कितना हो गया 10, अब दिन भर बैठ के नहीं निकालना है T4, T5, T6, T100, T1000, T1 लाख, T1 करोड़ सब नहीं निकालना है, आप डॉट आउट कर देंगे ठीक है। चलिए देखिए सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम क्या निकला बच्चों 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट, देखिए 4 में जाएगा 1 3, 4 में 1 गया 3, 7 में 4 गया 3, 10 में 7 गया 3, हर बार क्या आ रहा है डिफरेंस 3 आ रहा है ना, D इक्वल टू कितना हो रहा है 4 − 1 = 3, 7 − 4 = 3, मतलब हर बार डिफरेंस बराबर है, तो ये सीक्वेंस किसमें आ गया दिस इज इन एपी, ये किसमें हो गया बच्चों एपी में हो गया। अब देखिए आगे हमें T10 निकालना है, तो निकाल दीजिए T10 वही तो करना है, एन के लिए हमें क्या बैठाना है 10 बैठाना है, बैठा दीजिए 3 × 10 − 2 10 × 30 − 2 28 आंसर हो गया बच्चों, समझ गए उतारिए, समझ गए तो
आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइंड सेवंथ टर्म ऑफ एपी ठीक है ना। फाइंड सेवंथ टर्म ऑफ एपी 4, 7, 10 डॉट डॉट डॉट, तो सातवां में क्या होगा वो निकालना है। ऐसे देख के भी अंदाजे बोल सकते हैं, फिर भी निकालिए नियम से। ए बराबर 4, ए मतलब क्या बोले थे पहला वाला, पहला कितना है 4। डी घटा दिए बच्चों, 7 माइनस 4 कितना हो गया 3 हो गया। और कौन सा टर्म निकालना है, सेवंथ टर्म, एन कितना हो गया 7 हो गया, इसलिए TN, अच्छा कल बताए थे TN लिख रहे थे, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, TN को हम AN भी कहते हैं, ठीक है। TN होगा A प्लस N माइनस 1 इनटू D, बहुत कोई AN लिख देता होगा, ये सोचिएगा विजय सर TN क्यों लिख दिया, ठीक है। A कितना बच्चों 4, N कितना बच्चों 7 माइनस 1, और D कितना है 3, 7 माइनस 1 6 गुना 3 6 18 और 4 22, दिस इज द सेवंथ टर्म। अगर हम पढ़ेंगे 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13 करते करते जाएंगे, सपना कौन आएगा 22 आएगा, यही आपका आंसर हो गया बच्चों। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी 135.99। क्या बच्चों हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी 135.99। अगर 1, 3, 5 करके 99 में खत्म होता है तो कितना टर्म है, सब मिला के गिनेंगे तो के गो टर्म होगा, यह निकालना। चलिए हाउ मेनी टर्म जहां कह दिया, व्हिच टर्म जहां कह दिया, आपको सोचना है हमें क्या निकालना है, एन निकालना है, एन नंबर ऑफ टर्म निकालना है, ठीक है ना। तो एन निकालना है, देखिए कितना आसान है, गिवन मतलब दिया गया है, ए बराबर 1, डी बराबर 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 हो गया, और यहां देखिए टीएन दे दिया है, टीएन का मतलब अंतिम पद, सबसे अंत में क्या था 99, उसे लिख लीजिए। अब टीएन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 99। ए का मान कितना है बच्चों 1 है, एन माइनस 1, डी कितना है 2 है, इक्वल टू 99। 2 को एन से 2n माइनस 2 इक्वल टू 99 लिख लिए बच्चों। अब ध्यान दीजिए ये कितना है 99 है, 99 बोलिएगा नहीं, 2 को 9 है, ये 2n, 1 में जाएगा 2, 1 में जाएगा 2, तो क्या होगा एक किन होगा, अच्छी नवा पड़ेगा बड़का वाला, दे दिया माइनस इक्वल टू 99 बच्चों, तो 2n इक्वल टू क्या होगा 99 माइनस 1 उधर ले जाए, क्या होगा बच्चों प्लस 1 हो गया, तो यहां लिख देते हैं 2n बराबर 2n 99 और 1, 99 और 1 100, तो n कितना होगा बच्चों 100/2, यानी कि 50 वो टर्म है, समझे, ये आपका आंसर हो गया। उतारिए आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन है इज 254 ए टर्म ऑफ एपी 4914 .. पूछ रहा है क्या 254 ये जो एपी दिया गया है 4, 9, 14 का एगो पद होगा, मैंने पद हो सकता है कि नहीं, है ना, तो चलिए देखते हैं चेक करके पद हो सकता है कि नहीं।
ये इज है आईएस इज 254 ए टर्म ऑफ एपी 4914 डॉट डॉट डॉट। ठीक है बच्चों, ये एपी है। चलिए बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए कितना है बच्चों? 4। डी कितना है? 9 माइनस 4 5। और ये पूछ रहा हो सकता है कि नहीं, चलिए देखते हैं। और मेरा टीएन दे दिया है 254, हो सकता है, मतलब यहाँ पूछ रहा है 254 है। ठीक है, चलिए टीएन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 254। ए कितना है बच्चों? 4। एन माइनस 1। डी कितना है बच्चों? 5 बराबर 254। जहां जहां था ए और डी वहां वैल्यू को पुट कर दिए। चलिए देखते हैं, 5 को n से 5n, 5 को n से 5n, 5 एकम 5 बराबर 254। ये 5n को पहले छाप लिए, यहां पर 4 में चला गया 5, ये 4 है। क्या है बच्चों? 4 में गया 5 तो क्या होगा? -1 होगा। 4 में 5 नहीं जाएगा तो -1 लिख दिए बराबर 254। तो 5n बराबर 254 प्लस 1, इसलिए 5n 254 और a 255। यहाँ आते हैं बच्चों, इसलिए n क्या हो जाएगा? 255 के नीचे 5 कूद जाएगा। धकेल दीजिए 255 बटे 5, 25 5 एकम 5, पूरा पूरी कट गया ना, पूरा पूरी कट गया। अगर पूरा पूरी कट जाए तब तो टर्म होगा, मान लीजिए पूरा पूरी नहीं कटता, ऐसे आता है 51/2, 51/7, पूरा पूरी नहीं कटे तो लिखिएगा नो, और पूरा पूरी कट जाए तो लिखिएगा यस टर्म है। क्योंकि यहाँ पूरा पूरी कट गया इसलिए 254 इज ए टर्म, यानी कि 254 जो है इस एपी का एक पद है। समझ गए? उतारिए और बोले, कितना सिंपल। उतारिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। फाइंड के इफ 7k and 18 बी इन एपी। क्या लिखे बच्चों? फाइंड के इफ 7 है, के है और 18 बी इन एपी। यदि 7k और 18 7k18 एपी में हो तो के क्या होगा? फिर तो वही सवाल हल्का वाला। देखिए आपका 7 है, यह गिवन है 7k18, ये किसमें है? एपी में है। एपी में होगा तो क्या होगा? t2 - t1 = t3 - t2। दिस इज द फॉर्मूला। t2 कितना बच्चों? k है, बैठा दिए। t1 कितना है बच्चों? 7। t3 कितना है बच्चों? 18। t2 कितना है बच्चों? k। k को एक साइड ले आइए, माइनस k इधर ले आइए तो प्लस k। ये कितना है बच्चों? 18 माइनस 7 उधर से जाएगा, कितना हो गया? प्लस 7। ठीक है बच्चों, k और k कितना हो गया? 2k। 18 7 25, ये होता है जी। इसलिए k बराबर 25/2, 25/2 आप चाहे तो 12.5 भी आंसर लिख सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए मेरे YouTube चैनल मैथ्स मास्टर को। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि मैं जब जब भी इस तरह का वीडियो बनाऊं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। टिल देन गुड बाय बाय।